नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास नामक पुस्तक को हमने यहाँ पर आधार बनाया है और उन्हीं के जो प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम मुख्यतः लौकिक साहित्य और अन्य जो इसके कुछ पॉइंट्स बच गए हैं या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, लौकिक साहित्य की अगर बात करें तो ढोला मारूरा दोहा, जो कि 11वीं शताब्दी में लिखा गया, ये एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ये मूलतः दोहा छंद में रचित है रचना, और जिसमें 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया था। यानी 17वीं शताब्दी में इसमें चौपाइयाँ जोड़ी गई, और ये इस रचना का नाम क्या है, ढोला मारूरा दोहा। कुशल राय ने इसमें चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया था। इसमें कथा किसकी है, ढोला नामक यहाँ पर राजकुमार है और मारवणी नामक यहाँ पर राजकुमारी है। दोनों की प्रेम कथा है जो कि ढोला मारूरा दोहा में संकलित है। इसके जो कवि माने गए हैं वो कौन है, कवि कल्लोल है। इस काव्य का मूल कवि किसको माना गया है, कल्लोल का। कुशल राय ने बाद में इसको चौपाइयों को जोड़ा है। बाद में जो कुछ चौपाइयाँ हैं, मूलतः इसको किसने लिखा है, कवि कल्लोल ने इसको लिखा है, ये आप ध्यान में रखें। इसकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सोरठियो दोहा भलो भलो मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। और किसकी लिखी है, कवि कल्लोल की लिखी है। बाद में जो पंक्तियां जोड़ी या चौपाइयां जोड़ी किसने जोड़ी, कुशल राय नामक कवि ने जोड़ी। ये महत्वपूर्ण बातें आप याद में ध्यान रखेंगे। बसंत विलास, जो कि 13वीं शताब्दी में लिखी गई, ये एक महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। इसमें 84 दोहों में रचित एक ये श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें 84 दोहे हैं। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। नाम से स्पष्ट है, बसंत में विलास, यानी जब बसंत विलास यानी बसंत में विलास, यानी जब बसंत ऋतु आती है तो उसका स्त्रियों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। कितने दोहों में, 84 दोहों में। इसका संपादन सर्वप्रथम सबने किसने किया था, केशव लाल हर्षाद राय ने इसका सबसे पहले संपादन किया था। महत्वपूर्ण पंक्तियां, इन्हीं पर कोयल कुंजई पूंजई युवती मणोर, विधुर वियोगनी दूजई कुजई मयण किशोर। ये पंक्तियां हैं इसकी, जो कि पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप ध्यान में रखें। इसका संपादन किसने किया, हर्षाद राय ने किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमने जो रचना की है यहाँ पर, ढोला मारूरा दोहा और बसंत विलास, जो कि लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अब बात करें जो अन्य है, अपभ्रंश भाषा में तीन प्रकार के बंद पाए जाते हैं, ये आप ध्यान में रखें। पहला बंद कौन सा है, दोहा बंद, पदड़िया बंद और गय पद बंद। ये किसमें मिलते हैं, अपभ्रंश भाषा में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि दोहा या दोहा अपभ्रंश का छंद है, अपना छंद है। यानी ये कहाँ से आया, अपभ्रंश से आया, और अपभ्रंश में ये दोहा बंद जो है ये इसका खुद का छंद है। और ये किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बताया है। इसके बाद देखें तो जिस प्रकार गाथा प्रकृत का अपना छंद है, देखिए हम ये पहले कर चुके हैं, दोहा या दोहा अपभ्रंश से आया है और गाथा कहाँ, प्रकृत में इसका प्रयोग किया जाता था, बात एक ही है। अपभ्रंश का जो चरित काव्य है वो पदड़िया बंद में लिखा गया है। चरित काव्यों में पदड़िया छंद की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। यानी 8 पंक्तियों के बाद एक दोहा आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कड़वक कहते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बोध सिद्ध सरहप्पा की रचनाओं में मिलता है। यानी सबसे पहले सरहप्पा ने इसका प्रयोग किया था, किसका, चौपाई और दोहा पद्धति का, ये इसको इस तरीके का। अब बात करते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, उनका समय क्या है और उनको प्रस्तुत करने वाले कौन हैं। देखिए सबसे पहले देखें तो शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं, पुष्य या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं, और इसका जो समय काल है ये 7वीं शताब्दी मानते हैं। कौन, शिव सिंह सेंगर, ये आप ध्यान में रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद राहुल सांकृत्यायन की अगर बात करें
तो इन्होंने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है और इसका समय 769 ईस्वी स्वीकार किया है। राम कुमार वर्मा की अगर बात करें तो ये स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और इसका जो समय काल है विक्रम संवत 8वीं शताब्दी ये स्वीकार करते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शालीभद्र सूरी को प्रथम कवि मानते हैं और समय काल 1184 ईस्वी स्वीकार करते हैं। यहाँ पर एक बात आप और ध्यान में दे सकते हैं कि जो डॉक्टर बच्चन है, डॉक्टर बच्चन ये किसको पहला कवि स्वीकार करते हैं, ये विद्यापति को पहला कवि स्वीकार करते हैं। हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने विद्यापति की जो आपको वीडियो करवाई है उसमें ये आप पढ़ चुके हो कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है, अब्दुल रहमान को माना है, रहमान को इन्होंने स्वीकार किया है। इसके साथ जो गुलेरी हैं वो मुंज को मानते हैं, गुलेरी किसको मानते हैं, मुंज को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और आचार्य शुक्ल भी मुंज या भोज को वो हिंदी का पहला कवि स्वीकार करते हैं। वैसे हम इसके बारे में बात कर चुके हैं लेकिन क्योंकि यहाँ पर हिंदी के प्रथम कवि की बात चल रही थी तो मुझे लगा कि ये भी आपको यहाँ एक बार रिवाइज करवा दूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। इसके बाद डॉक्टर वी भट्टाचार्य सरहप्पा को बंगला भाषा का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। जिस सरहप्पा को राहुल सांकृतायन ने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है, डॉक्टर वी भट्टाचार्य उसे बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कवि भुवाल हिंदी के प्रथम कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया है। ध्यान में रखें, भुवाल ने दोहा चौपाई छंद में किया है अनुवाद और किसका किया है, भगवत गीता का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है, अभी आपको बताया है मैंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, यानी जिसमें कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया बल्कि जो अपने आप ही चल रही थी बिना किसी दिशा के, लोक प्रवृत्ति उस समय की विशेषता जिसकी कोई दिशा नहीं है, किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखें कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृतायन, रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। ध्यान में रखें कि गुलेरी, सांकृतायन जी और शुक्ल जी तीनों ही अपभ्रंश को पुरानी हिंदी स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं, ये मानते हैं कि अपभ्रंश और हिंदी दो अलग अलग भाषाएं हैं, उनको हमें अपभ्रंश को हिंदी नहीं मानना चाहिए, यानी ये इनके विरोधी हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक काल को अवहट कहा है, यानी हिंदी का जो आरंभिक काल है वो अपभ्रंश और हिंदी के बीच का जो समय है वो अवहट इन्होंने कहा है। अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कवाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पूछा जा सकता है कवाली के जन्मदाता कौन है, तराना गायन शैली के जन्मदाता कौन है, या जो हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध वाद्य यंत्र सितार है उसके जन्मदाता कौन है, तो वो अमीर खुसरो है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। यहाँ पर कौन सी भाषा आ रही है, देखिए अवधी, अवधी भाषा जिसमें रामचरितमानस लिखा तुलसीदास ने, वो आदिकाल में भी प्रचलित है और ये कौन बता रहे हैं हमें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बता रहे हैं। और इसका प्रयोग किसने किया था इस भाषा का, अमीर खुसरो को, और इनको इन्होंने प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो ये आज के प्रश्न हैं जिसमें हमने आदिकाल पूरा कर लिया है। आदिकाल से संबंधित और भी अगर मुझे छोटे प्रश्न इस तरह के मिलते हैं तो मैं उनका भी वीडियो अवश्य आपके लिए डालूंगी। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।